गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज को चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनवि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूँगी। उपस्थित भक्तवृंद समस्त को मु यथाज्य प्रणाम करुच्ची। आज आम मैंने श्रवण करवा श्री रूप गोस्वामी भक्तिर कौन महिमा यही उपरे गोटे सुंदर श्लोक कही। श्लोक उपरे आज आम मैंने विचार करवा बोले व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च भयम् किवा विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायां किं नाम रूपाधिकं किं तद् सुदाम्ना धनं वंशको विदुरस्य जादवपते ऋग्गस्यं किं पौरसं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणै भक्ति प्रिय माधव। कहते यार तात्पर्य कौन बोले व्याधस्याचरणम यदि कही कहती भगवान को सही पाई पारे जार आचरण बा सदाचार लोक ही केवल भगवान को पाई पारे तेणु ऐसे उदाहरण दौंती से व्याधंकर कौन भल आचरण थिला से तो पशु मान को मारुले। तेणु थारे नारद जाकि हठात देखिले गोटे मृग अधाम राहकर पड़ी एवं रक्त बहुत से छटपट छटपट कर टिके आगु गले देखले सेमती गोटे ठेकुआ मध्य अधाम राही पड़ी से मध्य छटपट छटपट करके आगु गले देखले गोटे बराह से मध्य तीर भेद है रक्तर धारा बहुत से मध्य छटपट छटपट हो। नारद देखकर हृदय द्रवीभूत हो गला बोले एभली भाव अधामर या किए कर सी आगु टिके गले देखले गोटे कला भयंकर जने व्यक्ति गोटे गच्छर आड़े छिड़ा होकर गोटे हरिण को मारियापाई सी प्रस्तुत अच्छा जिते सी हठात पहुँचिले से हरिणटी दौड़कर पलिगला संगे संगे से व्याधटी बहुत क्रोध आसला बोले ए बाबा तुम्हें कहीं आम शिकारटा को नष्ट कर सही समय नारद पचारे मु देखली से रास्तार किसी पशु मैने अधामरा ही पड़ी छटपट छटपट से मैंने होते किए मारी बोले मुझे जी मार जीवन में मारिदि अधामरा कहीं करोले मोर बाबा मत शिखे अधामरा छटपट देखिले रक्त बहवा देखिले मत खूब आनंद हुए। नारद तो आश्चर्य पड़गले बोले तुम्हें जी या मारुच आंकर परिणाम कौन जान बोले कौन परिणाम बोले या ये हूँ मांस मांस अर्थ कौन मांग अर्थ हूँ मोते स अर्थ है सीए माने एने जहाँ को आप मारी खाऊ आगे जन्मे जी तुमको मारिकी पुणी खाइबे तेणु ताक इंग्लीश कहते मीट मीट अर्थ कौन मी ईट बा ईट मी एने आम जहाँ को खाऊ परवर्त समय आमको पुनः जी खाइबे बोले देखापी चाहू कौन कौन देखेबे से संगे संगे कमंडल पा नहीं मंत्रपूत कर छिड़क हठात शरीर छाड़गला तो छाड़गले से समय देखले तीन टी जमदूत आसिकी गलार काल फास को लगे टाणी टाणी नहीं जाती से जिते पशु मान को मारी से समस्ते खंडा नहींक्री ऊपर को हाथ उठे सब छिड़ाई बोले तुम्हें मैंने किए बोले मन अच्छी आगे जन्म तुम्हें आम को खाई तार प्रतिशोध नापी आम ढाई शरीर को टिकी टिकी कर से काटुले से चित्कार करुले छाड़ी दियो आउ करनी जो आम को मारी हठात नारद ऋषि पुणी जिते बार पा छिड़क पुणी से जीवित हो गले से देखले सी देह कंपुच बोले कौन देख लोले मु तो देख ली जिते पशु मान को मारी समस्त मत मार मु तो चिंता करी खाईकिरी मत हो गला
किंतु समस्त कर्मफल भो करिया को हबो आपण कहंतु मैंने कौन करी बोले समस्त हिंसा को छाड़तु हिंसा छाड़िकी सात्विक आहार युक्त होकरी भगवान के भजन करंतु बोले आज ठार भजन करी बोले कौन करवा को हम बोले प्रथम ये धनुटा को भांगी दियो बोले धनु को भांगे मो जीविका निर्वाह कि भाव हम बोले चिंता करतुनि भगवान सब किछ व्यवस्था करिवे तेणु तांको भगवान कर मंत्र देले से भजन करी करी से कौन भगवत प्राप्ति ही गले तेणु एठी उदाहरण दौंती व्याधस्याचरणम ये व्याधर कौन आचरण थिला कि जे भगवान को प्राप्त करिले यदि कहीं कहती जे वयस हेले तो भजन करिवु ए छोट वयस रु कौन हरि हरि कृष्ण कृष्ण कौन से तिलकमाला कंठी गलारे माला पिंधिकी कौन भगवान को भजन करिवु पिला बेलू कौन भजन हुए तेणु उदाहरण दौंती ध्रुव सच वय ये ध्रुवंकर कौन वयस थिला जे भगवान को प्राप्त करिले से छ मास भितरे इतने नारद तांकु मंत्र देले ओम नम भगवते वासुदेवाय केवल छ मास भितरे प्रथम मास रे खाली से बरकोली खाइकिरी से भगवान कर भजन करिले द्वितीय मास रे सुखिला पत्र खाइकिरी तृतीय मास रे पानी पीकिरी चतुर्थ मास रे पानी मध्य छाड़िकिरी केवल पवन खाइकिरी एवं पंचम मास रे पवन छाड़ीदे षष्ठ मास रे जितने सीए पवन को वायु को अवरुद्ध करदे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड वायु बंद हो गला समस्त देवता मैंने हाहाकार करी भगवान को पाख गले बोले ध्रुवर तपस्या रे संपूर्ण पृथ्वी कंपमान होची हे प्रभु रक्षा करंतु सही समय रे भगवान तांको दर्शन प्रदान करले तेणु से छ मास रे तो भगवत प्राप्ति करछंती तांकर कौन वयस थिला तेणु भगवान कर भजन भक्ति वयस ऊपर निर्भर करे ना यदि कई कहती अरे भगवान कर भजन करिवा को हेले ठीक तो लेखापढ़ा शिखा शिखवा दरकार विद्या नथिले केमिति भजन करिव एटी उदाहरण देले विद्या गजेन्द्रस्य काह ये गजेन्द्र मन हाथी कर कौन विद्या थिला जे समय तांको मगरमच्छी कुंभीर तांको धरिकरी तांको टाणी नहीं जाऊला सही समय सीए खाली गोटे पद्म फूल नहीं करी से भगवान को अर्पण कर देले अर्पण करले कल ना रा कही भगवान से चक्र पेशी नकर नासी उधारिल आपण आहे नील शैल प्रबल मत्तवारण तेणु से गजेन्द्र कौन तांकर विद्या थिला जे भगवान तांक पर संतुष्ट होकरी तांकु दर्शन प्रदान करिले यदि कहीं कहती भगवान कर भजन करिवा को हेले सुंदर रूप दरकार अच्छी तबे तो भगवान मिलिवे बोले कुब्जायाम किम नाम रूप अधिकम कुब्जा से तीन जगार से बंका थिले जितले भगवान कृष्ण मथुरा को आसिले मथुरा आसिवा समय रे संपूर्ण मथुरा भगवान कर जय जयकार करचंती एवं भगवान सखा मान कर इच्छा हैला भल भल लुगा पिंधिया पाई भगवान ताकू सेटा व्यवस्था करिले टिकिए गले कले टिके तिलकर व्यवस्था हेले भल हुंता बोले चिंता काई करुछंती सही समय रे खूब जा जे तीन जगार बंका थिले प्रत्येक दिन कंस को सीए चंदन द्वारा श्रृंगार करती सही समय रे कृष्ण कहले सुंदरी ओ सुंदरी कुब्जा कहले मु तीन जगार बंका एपर्यंत मत तो कहीं सुंदरी कहीना किए एम डाकिले से महाप्रभु कृष्ण बलराम को देखिले कहले आम दी भाई को टे तुम श्रृंगार करदेव एवं सखा मान को बोले आपण को श्रृंगार कर तो करी कह तेणु ताको सुंदर भाव से तिलक लगेदे तिलक लगेदे कृष्ण सांग मैंने कहले बोले कृष्ण देख आम समस्त ये केते सेवा करे ये तीन जगार बंका टी सीधा कर दियो ना बोले चिंता कहीं करुच से समय कृष्ण तांक ओठरे गोटे हाथ तांक अंटारे गोटे हाथ एवं तांक गोड़ पर गोटे गोड़ रखिकी जो थे सी झटका मारे से सिंधा सटका एकदम हो गले अपूर्व सुंदरी हो गले एत सुंदरी हो गले निजर जौवन को देख संभा पारे भगवान को कहले प्रभु आपण यही रूप आपण दे आपण ही रूप को उपभोग करें बोले चिंता करनी कंस मामाकर उद्धार करी आपण घर आसबे तेणु ये कुब्जा कौन रूप थिला
जे महाप्रभु तांक प्रति संतुष्ट हेले तांकु कृपा करिले। तेणु भगवत भजन करिया पाई कौनसी सुंदरतार किछि दरकार नहीं। बले जदि केही कुहंती भगवान को पाइबा को गले धन संपत्ति तो दरकार अच्छी, कह सुदाम नाम किम धनम, सुदामा पाखे कौन धन दिला। जिते से महाप्रभु को दर्शन करने जाते खाली खुद भजा नहीं करखे से लुचे की रखी थे, किंतु भक्तर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे। भक्तंकर वस्तु भगवान कर अत्यंत प्रिय। कृष्ण कहले भाउज कौन किसी पठे ना बोले ना, बोले तुमर काखेरे कौन, बोले कि नाई। भगवान कौन करले जोर जबरदस्ती नहींक्र थे खाइले, द्वितीय थर खाइले, तृतीय थर खाऊ माँ लक्ष्मी हाथ धरले, बोले प्रभु आप दुई थर खाई, घर संपूर्ण राज संपत्ति घर पहुँच जाए। यदि आप तृतीय थर खाइबे मुझे लक्ष्मी घर में तो दासी हो कह। आ सुदामा जब फेरिले कौन देखले विशाल राजमहल, तांकर स्त्री राज रानी हजार हजार दास दासी तांकर घरे सेवा करछंती। तेणु भगवान को पाइबा को हेले कौन से धन संपत्तिर दरकार नाही। बोले वंश को विदुरस्य, यदि कहीं कहती भगवान को भजन करिबा को हेले बड़ वंशर तो जन्म नेले तभी तो भजन हब। तेणु उदाहरण देले विदुर कौन वंश थिला, जे महाप्रभु जेतेबेले शांति दूत होकर दुर्योधन पाखु गले, दुर्योधन छापान भोग छत्रिश व्यंजन से महाप्रभु को पाई तैयार कर रखी थे, कि महाप्रभु किसी ग्रहण करले नी। सी विदुर को घर जाकर से कदली से चोपा बा से शाग भजा महाप्रभु खाई। तेणु भगवान को भजन करवा को हेले कौन से वंशर दरकार नाही। कछि जदि पौरस थिबा दरकार भगवान को भजन करिया पाई, बोले उग्रसेनकर कौन पौरुष थिला जे महाप्रभु तांको ऊपर कृपा करिले। तेणु कहते भगवान संतुष्ट किभली हुवंती, बोले भक्त्या तुष्यन्ति केवलम नच गुणै भक्ति प्रिय माधव। भगवान केवल भक्ति द्वारा संतुष्ट हुवंती, आ भगवान आ कौनसी गुण देखंती नी। तेणु भगवान कर गोटिए नाम होची भक्त वत्सल भगवान। तेणु कृष्ण निजे उद्धव को कहते बोले न साधयति माम योग न सांख्य धर्म उद्धव न साधय तपस्त्याग जथा भक्ति ममर्जिता। बोले हे उद्धव, हे भक्ति जे भली भाव में मत संतुष्ट करे, न साधयति माम योग, योग सांख्य धर्म कौनसी द्वारा मुझे संतुष्ट हुए ना, भक्ति द्वारा जी संतुष्ट हुए। तेणु भगवान को पाइबा को हेले केवल भक्ति दरकार। तेणु आमर ओडिया कहती एका तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह एका तो भकत जीवन। तेणु भगवान केवल भक्ति द्वारा संतुष्ट होती, तेणु तांकर गोटे नाम होचे भक्तवत्सल। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।